अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मुझे पाकिस्तान कराची से कंडे में फ़ोन आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग अपने आप को दाऊद इब्राहिम के लोग बताए हैं। एक बंदा फ़ोन करता है उस्मान चौधरी के नाम से। कल वो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि आप वाकई में आपके पर अल्लाह का साया है, और रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को दी भी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जनता को रिकॉर्डिंग सुनाएं। और मुझे बोलता है कि आपके पर अल्लाह का साया है, लेकिन मेरे कफन को जो है 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है। मेरे कफन को 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है। तो ये जो मैंने इंटरव्यू देने के लिए आपको बुलाया है, मैं चाहती हूँ कि ये लाइफ, ये छोटा शकील जो कि डी कंपनी के हैं, ये सीधा सीधा सवाल उनके लिए है, डी कंपनी के छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के लिए। क्या ये उस्मान चौधरी आपका बंदा है? क्या ये आपका बंदा है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल यह है कि ये आपका बंदा है, ये एक्सटॉर्शन 1 करोड़ का आप लोग मुझसे कर रहे हो। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आप लोग मुसलमान हो, ठीक है, आप डंके की चोट पे बोलते हो कि आप लोग मुसलमान हो। एक मियाँ भाई हो के आप एक मियाँ भाई लड़की को, जो कि एक मुहिम चलाती है जहाँ पे मैं यहाँ पे लड़कियों के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लड़ती हूँ, लड़कियों के हक के लिए लड़ती हूँ, यहाँ तक कि वो बुजुर्ग जिनकी बहुएं उनको परेशान करती हैं, मैं उनके हक के लिए लड़ती हूँ। जो गरीब जिनको उनका हक नहीं मिलता है, जो रईस उनको परेशान करते हैं, उनके घरों से उठा के उनको बाहर फेंकते हैं, उनके हक के लिए लड़ती हूँ। तो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि आप लोगों ने एक्सटॉर्शन मुझसे मांगा है। ये मेरा तीसरा सवाल है जो आप कौम का नाम खराब कर रहे हो। ये मेरे तीसरे सवाल का जवाब छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम आप लोग मुझे दीजिए। ये तीनों सवाल के जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए कि ये जो उस्मान चौधरी है, इसकी औकात क्या है? इसने मुझे कहा कि मेरे कफन को पेनल्टी लगी है 1 करोड़ की। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मेरी कंप्लेन्स हैं जो मैंने अभी तक की फाइल की हुई है। ये कंप्लेन थ्रेटनिंग कॉल्स के साथ में इसके जो सारे लिंक्स है विच इज कनेक्टेड टू जुबैर खान, बिकॉज जैसे ही मुझे फर्स्ट थ्रेटनिंग कॉल आया था, फर्स्ट थ्रेटनिंग कॉल के ऊपर कहा गया था कि जुबैर को क्यों परेशान करें, जुबैर इनकी खाला का बेटा होगा, ठीक है, जुबैर इनकी खाला का बेटा होगा। इसलिए लोगों ने जो भी कहना है जुबैर के साथ में ही शुरू किया था, और जुबैर जो है ही कनेक्टेड विद दीज कॉल, आई एम 100% श्योर। और इन कॉलों में जिस तरीके का कन्वर्सेशन होता है, आप वो कन्वर्सेशन लोगों को बताइए। और मैं चाहती हूँ छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम, अगर आप लोगों को ये पैसे चाहिए तो आप ऑन एयर आइए, आके बात कीजिए। और आपका उस्मान चौधरी कहता है कि मैं रवि पुजारी की बहन हूँ, तो रवि पुजारी से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप भी ऑन एयर आइए। मुझे लगता है कि आप में काफी दम है, रवि पुजारी आप में काफी दम है। आप कोई भी न्यूज चैनल को फोन करके ये आप इंटीमेशन कर सकते हैं कि क्या आपने मुझे बहन बनाया है, आप मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, कि हेल्थ केयर को आपने कोई डोनेशन दिया है, आप ये बताइए, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जो कि मैं डोनेशन अब तक तो किसी से लिया नहीं है। मेरा बैंक का अकाउंट डिटेल 10 मिनट के अंदर फेसबुक पे, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल फेसबुक वॉल पे 10 मिनट के अंदर मेरा हेल्थ केयर का बैंक अकाउंट डिटेल अभी अपडेट होने वाला है। हर कोई जाके वो बैंक अकाउंट डिटेल पे सर्च कर सकता है, और जिसका मन करे ना वो डोनेशन भी दे सकता है, क्योंकि मैंने आज तक डोनेशन लिया नहीं है। अब अपडेट कर रही हूँ ताकि लोग डोनेशन करें। मैं रवि पुजारी को भी बोल रही हूँ कि आप भी देखें, और हिंदुस्तान की जनता को भी बोल रही हूँ कि आप भी देखें। लेकिन मेरा चैलेंज है ना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को है, आपने मेरे से 1 खोखे का डिमांड किया, ये आपका कोई वो बिना बाटली का ढक्कन, क्या नाम है उसका, उस्मान चौधरी, उसको बोला मेरे को 500 कॉल करने के लिए। मैं छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम को बोल रही हूँ, आप मेरे कौम के लोग हो ना, आप मेरे कौम के लोग हो, मुझे 2 खोखा चाहिए। कितना चाहिए? 2 खोखा चाहिए मुझे। आप मुझे 2 खोखा मेरे ट्रस्ट के अकाउंट में डलवाओ, मैं यहाँ हिंदुस्तान में 200 गरीब लड़कियों की शादी कराऊंगी। इसका सवाब है ना आपको आपके मरने में अल्लाह देगा। जैसे मैं यकीन करती हूँ कि मैं मर के अपने सवाब लेके जाऊंगी। आपके बंदे ने जो बात की है मेरे साथ में, वो रिकॉर्डिंग मैंने अभी न्यूज चैनल को दी है, और वो रिकॉर्डिंग आपको सुनने मिलेगी। तो जिस तरीके की बदतमीजी की बात वो कुत्ता मेरे साथ में कर रहा है, तो मैं इस सवाल का जवाब ये दे रही हूँ कि मेरे पास तो हराम का पैसा है नहीं। 1 करोड़ तो मैं आप लोगों को कभी भी किसी तारीख को दूंगी नहीं। आपका बंदा मुझे बोलता है मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम बचा है, वरना वो मुझे शूट कर देगा, जैसे कि वाइन का हलवा है, मुंह में रखोगे और पेट में उतर जाएगा। हाँ,
तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आपका बंदा है या नहीं है, ठीक है? मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए मुझे। छोटा शकील, आपसे कुछ बात हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, वो इसी काम में लगे हुए हैं कि जितने मुझे कॉल्स आए हुए हैं। जुबैर खान, देखिए आप, मैं आपको आप सब्जेक्ट जरा नजदीक से पब्लिक को दिखाई तो यू कम टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग। और ये सब कुछ जो शुरू हुआ है, ये सब कुछ जो शुरू हुआ है मेरे इस टर्मिनेशन ऑफ लेटर के बाद में शुरू हुआ है। टर्मिनेशन ऑफ लेटर इज व्हाट, कि जो जुबैर खान ने मुझे झूठी कंप्लेंट दिया था कि मैंने इतनी नींद की गोलियां खाई और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और सलमान खान के इंसल्ट करने के ऊपर से मैंने किया, ठीक है? और सलमान खान ने उसकी कोई इंसल्ट की थी क्योंकि उसने कुछ औरतों के साथ में बदतमीजी की। मैं आपको इंडियन पीनल कोड का एक बोलते हैं ना व्हाट यू से परफेक्शन बता दूं कि कोई अगर प्रोस्टिट्यूट भी हो, कोई वेश्या भी हो, अगर आपने उसको वेश्या बुलाया तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। आप वेश्या को भी वेश्या नहीं बुला सकते हो, ना पुलिस स्टेशन में बुला सकते हो, ना कोर्ट में बुला सकते हो, ठीक है? तो वो कोई भी लड़की हो, कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, उसका प्रोफाइल अच्छा हो बुरा हो, आप किसी औरत को गलत नहीं बोल सकते हो। तो जो जुबैर खान ने बिग बॉस के घर के अंदर किया था उससे मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। आप मेरे टीवी पे देख सकते हो क्या चालू रहता है, मेरे टीवी पे सिर्फ सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चालू रहती है, तो मैं टीवी तो देखती नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जो सलमान खान ने किया था इससे मैं सहमति कब देती हूँ, जब मैंने लोनावला पहुंच के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया कि जुबैर खान झूठ बोल रहा है, देन आई कम टू नो कि जुबैर खान झूठ बोल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज जनता को फिर से बताऊं कि YouTube पे जो नीचे कुछ गंदे लोगों ने गंदे कमेंट्स मारे थे जिससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। सी आई एम अ कार्डियक पेशेंट, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ बैठ के लोगों की मदद इसलिए करती हूँ, ये मेरा पैशन है, ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। डोमेस्टिक वॉयलेंस मैंने मेरे ऊपर इतना झेला था, इतना बर्दाश्त किया था कि आज से 12 साल पहले मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया ताकि मैं लोगों की मदद करूं। और जो रिहैबिलिटेशन सेंटर मैं चलाती हूं वो इसलिए चलाती हूं कि मैं नशे से लोगों को दूर करूं, ठीक है? तो इन सारी चीजों में लोगों को मुझसे खुशी होनी चाहिए। मैं किसी से एक रुपया लेती नहीं हूं, ना मैं किसी के बाप का खाती हूं। और जो लोग मुझे फोन करके एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो जो गाली देगा वो गाली का जवाब गाली से ही पाएगा, क्योंकि मैं किसी के बाप का खाती नहीं हूं तो मैं किसी की गाली सुनू क्यों? और जो डी कंपनी के नाम से मुझे फोन कर रहे हैं, तो मुझे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे डायरेक्ट फोन करें। आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है, तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करें, या आप न्यूज चैनल को, ये रफ्तार न्यूज को कॉन्टेक्ट करें, या आप आज तक को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शबनम जी, आप देश की जनता से क्या चाहते हैं इस मामले में? देखिए, आप लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने सही लिखा, कुछ लोगों ने गलत लिखा। जो गलत लिखा है जिन लोगों ने, अब जुबैर खान माफीनामा देना चाहता है। खार पुलिस स्टेशन में